दोस्तों अब ये हम और सौरभ जा रहे हैं कुछ कुछ सामान लाने के लिए, जो घर में सजाने वाला सामान है। फूल को भी लाना पड़ेगा, ट्रक को, हम लोग ट्रक को भी पूरा सजाना है। और दोस्तों ये वाला जो चीनी वाला मिठाई है, ये हम लोग दीपावली में यूज करते हैं, तो मम्मी बोले थे चीनी वाला मिठाई लेते आने के लिए। दोस्तों अभी शाम के 7 बजने वाला है और हमारा घर में पूजा होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं मम्मी पूजा कर रही है। दोस्तों हर साल मेरा पूजा ऐसा ही होता है, अंदर में जो घी का दिया जलाते हैं तो पूरा भर के ही हमारा 2 दिन रहता है ये। दोस्तों रात को 10 बज चुका है और हम लोग चले खाना खाने के लिए, देख सकते हैं पूरी खीर, ये तड़का, ये आलू गोभी की सब्जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज तो दिवाली है और आपको ढेर सारे शुभकामनाएं दिवाली का, हैप्पी दिवाली भी। दोस्तों आज तो हम घर पर ही है और हमको लग रहा है कि काफी साल बाद घर में हम दिवाली मना रहे हैं। पिछला आप लोग देखे थे कि हम धनतेरस के दिन में थे पिछले साल, उसके बाद मेरा सेठ का ऐसा बोधरेशन था कि हमको जाना पड़ गया था तो हम नहीं रुक पाए थे। फिर धनतेरस दिन में एक बाइक लिए थे, उसके बाद चले गए थे हम लोग। तो दोस्तों आज तो हम लोग सब अपने अपने काम में थोड़ा सा व्यस्त है, सब हम भी अपना गाड़ी के लेके सब कर रहे हैं, सागर लोग भी है घर के लिए भी कर रहा, सब सामान वगैरह लाना पड़ रहा बाजार से, क्योंकि हम लोग कल ही आए हैं तो आज ही हम लोग को फुर्सत मिला तो थोड़ा सा बाजार वगैरह कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी अच्छी तरह से खुशी खुशी हम त्यौहार मनाइए, दीपावली मनाइए, पूरा मिठाई उठाई का त्यौहार तो है ही दिवाली है। अब बहुत सारे आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। दोस्तों अभी हम और सौरभ जा रहे हैं कुछ कुछ सामान लाने के लिए, जो घर में सजाने वाला सामान है। फूल को भी लाना पड़ेगा, ट्रक को, हम लोग को ट्रक को भी पूरा सजाना है और घर को भी। घर को तो लाइट वाइट लगा लिया ना तुम? घर को पूरा लाइट लगा लिया है और अभी जो सजाना पड़ेगा सिर्फ ट्रक बचा है उसको करेंगे। अरे बच्चा लोग कॉलोनी का बम फोड़ रहा है कि नहीं बाबू? हाँ फोड़ रहे हैं। अच्छा फोड़ रहा, बैन है फिर भी? चलो झारखंड में बैन नहीं है ना। हाँ। चलो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों ट्रक हमारा यहाँ रोड पे खड़ा है, अभी आ रहे तो ट्रक को भी पूरा अच्छे से सजाएंगे। और ये देखिए पूरा इधर ही बगल में मूर्ति वगैरह सब कुछ मिल रहा है। आज दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ लग रहा है, सभी लोग जा रहे हैं ना शॉपिंग करने को, इसी को लेकर अभी देखिएगा आगे मार्केट में तो और बहुत भीड़ रहेगा। अभी दोस्तों लग ही रहा था कि आगे आने के बाद पूरा जाम होगा, देखिए पूरा एकदम भयानक जाम लग गया है आगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी क्लियर होने में। ये तीनों दे दीजिए भैया, ये तीनों चाहिए, इसको रख लीजिए साइड में कर दीजिए। दोस्तों अभी तो बहुत भीड़ है लेकिन फिर भी जो जो सामान लेना है ले रहे हैं, तो सजावट का तो कुछ सामान ले लिए। किधर गया? ये देखिए ये सब रंगोली वगैरह, और अभी आया है मूर्ति देखने के लिए। मूर्ति का दुकान तो बहुत सारा है, अब देखते हैं जो सही लगेगा। मम्मी को फोटो भेज रहे, उसके बाद पूछ रहे कौन सा सही है। दोस्तों ये वाला जो चीनी वाला मिठाई है, ये हम लोग हमेशा मतलब दीपावली में यूज करते हैं, तो मम्मी बोले थे चीनी वाला मिठाई लेते आने के लिए। तो देखिए और भी जितना लावा वगैरह सब कुछ ले रहे हैं, सबसे अच्छा मतलब बेस्ट मिठाई यही लगता है। अभी तो दोस्तों कुछ सामान लेके जा रहे हैं लेकिन अभी पूरा दिन हम लोग को बार बार आना जाना करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ सामान घटा ही रहता। अभी मम्मी बोलेगी ये बाकी है वो बाकी है, अभी तो मूर्ति वगैरह सब कुछ ले लिए है सजाने का जो जो सामान था, लेकिन फिर भी अभी मिठाई बाकी है और भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा होगा। तो अभी जा रहे हैं निकल के घर के लिए, ये देखिए सारा सामान लेके बैठे हुए हैं, अब घर पहुँचते तभी मालूम चलेगा क्या क्या और लेना है। दोस्तों सुबह से दोपहर घर पर लगे हुए थे सामान वाल लाने वाले में, तो सब तो आ गया है और घर पर भी सजा रहे थे सुबह से, अभी आए गाड़ी के पास, गाड़ी पानी वगैरह मार लिया है, कुछ फूल वगैरह है थोड़ा जो भी सजा देते हैं इस गाड़ी को भी, क्योंकि हमारे तो लक्ष्मी यही है तो हमको भी इसको सजाना है, पूजा करना है, रात में दिया वगैरह भी जलाएंगे, सब लेके आ गए, मार्केटिंग हो गया मेरा। तो ठीक है दोस्तों अभी सजाते हैं थोड़ा। दोस्तों तो ये गेंदा फूल खरीद के ले आए थे, तो इसी को लगा देंगे आगे में, पूरा ऐसे लरी जैसा बना देंगे और उसके बाद फिर दिया से पूरा सजा देंगे गाड़ी को। दोस्तों अभी गाड़ी को तो सजा ही रहे हैं और अभी मम्मी भी आई है मंदिर में, तो ज़्यादा दूर नहीं है अपना, गाड़ी तो यहाँ बगल में ही रहता है। सुबह से मम्मी भी काम में मतलब व्यस्त थी पूरा, इसलिए यार हम लोग भी काम इधर उधर बार बार जाना हो रहा था। दोस्तों अभी मम्मी तो पूजा करके चली गई और हम लोग गाड़ी को भी सजा लिए हैं। ये गेंदा फूल सजा रहे थे तो क्या किया कि गाय आके खा गई थी वो, तो इसलिए हम लोग ये वाला फूल ले आए थे, इसको लगा दिए पूरा, अब अच्छा लग रहा है। और ये देखिए बच्चा लोग भी आया हुआ है सब, और अंकल जी भी है, देखिए अब लक्ष्मी जी पहले ही आके खा के चल गई सब गेंदा फूल मेरा, तो चलो रेडी। अभी तो इतना समय तो गेंदा फूल खत्म हो जाता है ना, तो वही थोड़ा बहुत ले आया रेडीमेड वाला, वही आके लगा है। अब थोड़ा अंधेला होगा, घर में पूजा होगा, फिर अपना गाड़ी में भी दिया प्रति जलेगा। ये मिठाई पापा खा रहे हैं, ये मिठाई मेरा पहले का एडवांस मिठाई था, तो वो अभी बच्चा लोग को भी दिए हैं खाने के लिए, अब बाकी तो पूजा होने के बाद अलग वो प्रसाद अलग रहेगा। दोस्तों अभी गाड़ी से तो कॉलोनी में आ गए हैं जहाँ पे मतलब हम लोग रहते हैं, ये देखिए अभी पूरा कॉलोनी सज गया है, सौरभ भी यहाँ आ गया था, ये देखिए पूरा अपना घर वो वाला है कोना वाला, सारा घर सेम दिखता है लेकिन अभी अपना वो घर वो कोना वाला है, देखिए बाइक भी खड़ा है। दोस्तों अभी शाम के 7 बजने वाला है और हमारा घर में पूजा होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं मम्मी पूजा कर रही है
और सौरभ भैया यहाँ दिया बना रहा, पापा यहीं पर है, यहाँ पापा मैच देख रहे अभी हम भी जाएंगे गाड़ी के पास अपना, यहाँ का पूजा हो जाएगा, हम भी जाएंगे गाड़ी के पास दिया बत्ती जलाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हमारा पूजा खत्म होगा उसके बाद बम कोई फोड़ेगा? बम कोई बम खरीद के लेके आया नहीं है, इसका भी बम नहीं आया है, इसलिए अभी थोड़ा उदास है। उदास है इसलिए कपड़ा भी नहीं पहन रहा हूँ। हाँ बोल रहा कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे घर में रहेंगे, बताइए। छुरछुरिया ला के दे दीजिए दोनों, छुरछुरिया मिर्चिया बम ला के दे दे। ठीक है ना, लेकिन गुस्सा हो गया? नहीं। अच्छा चलो, बोल रहा नहीं गुस्सा हुआ। दोस्तों अभी देख सकते हैं, देखिए मम्मी पूरा सजा दी है, पूरा एकदम अच्छा लग रहा है। अभी ये हमारा छोटा सा मंदिर है पूरा, और ये देखिए ये रही मम्मी अभी पूजा कर रही है। हाँ ये सब तैयारी हम सब किए हैं, पूजा का हम ही करते हैं हर साल। दोस्तों अभी घर में तो पूजा हो चुका है, चले अपना प्रसाद वगैरह दिया और लेके चलते अपना गाड़ी में, गाड़ी का ही पूजा करते हैं, वहाँ भी दिया बत्ती जलाएंगे अभी। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी में भी दिया वगैरह सजाना है, तो हम और सागर भी जा रहे हैं अभी। ये देखिए गाड़ी के पास आ गए अब हम लोग। दोस्तों अभी गाड़ी में तो आ गए हैं, तो ये वाला दिया क्या है कि रात भर जलेगा, इसीलिए इसको पूरा भर के जला रहे हैं। दोस्तों हर साल मेरा पूजा ऐसा ही होता है, अंदर में जो घी का दिया जलाते हैं तो पूरा भर के ही, हमारा दो दिन रहता है ये, अब रात में जितना जलना होगा जलेगा, बाकी और भी घी रखा हुआ है, कल भी जलेगा, कल छोटा दिवाली बोलते हैं कल हम लोग। दोस्तों अभी दिया तो लगा लिया है पूरा, देखिए दो नीचे रख दिए हैं, बाकी यहाँ आगे रख दिए हैं, ज्यादा आगे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा करके। अरे पापा ठीक लग रहा है ना अभी? दोस्तों अपना गाड़ी का ही पूजा हो गया, अब हम लोग चले वहाँ नया वाला घर पे, थोड़ा वहाँ भी दिया बत्ती जला लेते हैं। दोस्तों सब बच्चा लोग तो फटाका फोड़ ही रहा है, झरना वो अनार वगैरह सब चीज़ है, तो हमारे लिए एक चीज़ है वो हम जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए, बताया गया है कि कितना जोर आवाज़ हुआ, सब उधर बाहर के बाहर में कॉलोनी उधर सब फोड़ ही रहा अभी, तो आवाज़ से तो खैर डर लगता ही है, और फिर धीरे आदत बन जाता है। सौरभ खोल रहा है इसको, इसको कैसे छोड़ा जाए, उल्टा ये नीचे जाए। दोस्तों अभी इसको देखिए तैयार तो कर ली है, अब जा रहे हैं अभी दोस्तों ट्राई कर रहे हैं, एक आपको अभी दिख रहा होगा कलर इसका चेंज हो गया, क्योंकि एक फट गया उधर साइड में कर दिया है, अब इसको जला रहे हैं, अब देखिए ये वाला उड़ता है कि नहीं। दोस्तों ये वही हुआ, ये भी नहीं अपने से जल पाया, देखिए इधर साइड से हो गया, गैस बना ही नहीं, पूरा अंदर आग लग गया। दोस्तों दूसरा बम फोड़ेंगे, ये वाला तो नहीं फूटा, तो चलिए अब इसका नहीं हो पाया, बच्चा लोग जाओ दूसरा कोई बम लेके आओ। दोस्तों वो तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, वो शायद गैस भरने से ऊपर उड़ जाता है, तो हम लोग कभी ट्राई किए नहीं थे, तो हम लोग को पूरा छुड़ाना था, वो भी नहीं हुआ, गैस भी नहीं बना, उसी में आग लग गया। दोस्तों जैसे जैसे मतलब हो रहा चेंजिंग दुनिया में, वो बम चेंजिंग हो रहा है। अरे बाबा आग लगी, तो बम में भी चेंजिंग हो रहा है, पहले हम लोग का था कि दीवार में फोड़ के, तो उसको हम लोग आलू बम बोलते थे ना, पहले बचपन में मिलता था, तो एक नया मॉडल का बम देख रहे हैं, ये देखने में तो लग रहा है कि खाने लग मिठाई होता वैसा है, ये वैसा तो नहीं है, इसको फोड़ते हैं, पहले बड़ा बड़ा था, उसको आलू बम बोलते थे, दीवार में मार मार के फोड़ते थे, ये कुछ अलग ही निकला है। ये देखिए ये निकाल के, ये सब ठीक है बच्चा लोग के, देखिए ये सब लोग के लिए ये सब ठीक है, ये देखिए इसको जो छोड़ दो ना, जोड़ा हुआ कहाँ रहे, जोर से पड़ेगी, जोर पड़ेगी, जोर से ये देखो ये सब बम है बिना आग, कोई प्रदूषण नहीं।
हाँ ये सब ठीक है, छोटा बच्चा लोग के लिए डरने का बात नहीं है। हाँ देखो ये तो भयानक बम ले आया है। ये बच्चा लोग कितना शौक है ये अनार वगैरह सब फोड़ने के लिए। ये अरे यार नहीं फूटता दोस्तों, हम ये वाला जाके स्काई शॉट लेके आए, ये ज्यादा परेशान नहीं करता है, ऊपर जाके फूटता है। दोस्तों रात को 10 बज चुका है और हम लोग चले खाना खाने के लिए। देख सकते हैं पूरी खीर, ये तड़का, ये आलू गोभी की सब्जी, ये सब बना हुआ है। शुभम का भी वही है, तो शुभम मीठा नहीं खाता इसलिए खीर वगैरह खाता नहीं है जल्दी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग खाना खाते हैं अभी। दोस्तों दिवाली मेरा बहुत अच्छी तरह कटा और बहुत साल बाद हम लोग पूरा फैमिली एक साथ में काटा है दिवाली आज हमारा, मतलब हम घर पर थे पूरा एक साथ हम मनाए दिवाली। और दोस्तों हमारा भी ट्रांसपोर्टर कैसे भी हम बोले थे कोई इमरजेंसी होगा तो उन्हें इमरजेंसी माल होगा खाली करने का, तो ऐसे ही बताए थे हमको पहले, ऐसा कोई बात नहीं है। दिवाली में तो स्टाफ वगैरह कर रहा नहीं, खाली करने वाला भी, तो आराम से ही जाइए कोई दिक्कत नहीं, हम बोल के ही वहाँ आए थे। बोले ठीक है आराम से दिया जा रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग का भी दिवाली बहुत अच्छी तरह से मना होगा पूरा फैमिली के साथ हंसी खुशी। दोस्तों कल काफी रात तक जग गए थे, उसके बाद खाना खा कर लोग सो गए थे, तो आज तो हमारा दूसरा दिन है, तो आज तो हमारा कोई काम ऐसा है नहीं, त्यौहार सब अच्छा खासा कट गया अपना। और थोड़ा छोटा मोटा जो गाड़ी काम है वो कराते हैं, और थोड़ा सा रामगढ़ जाना है जो कुरियर वगैरह कराते हैं वो भी कराना हमको, तो उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से शाम में या रात में किसी टाइम बाद हम निकलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का सफर हमारा। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।